नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना के पाटलिपुत्र बस टर्मिनल को बनाया जाएगा और बेहतर, डीएम ने यात्री सुविधाओं को लेकर की बैठक। ट्रेनों में यात्रियों को मनोरंजन के साथ मिलेगी देश दुनिया की खबर, लोकल ट्रेन में लगेंगे LED TV। मंकी पॉक्स ने बिहार में बढ़ाई लोगों की चिंता, स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। बिहार में बढ़ी रोजगार मांगने वाले बेरोजगारों की तादाद, ताजा आंकड़ों से समझे कैसे हैं हालत। बिहार शिक्षक नियुक्ति को लेकर 30 जुलाई को मिलना है नियुक्ति पत्र, 6 जिला परिषदों में अब तक नहीं हुई है काउंसलिंग। पटना में बुधवार को पाटलिपुत्र बस टर्मिनल कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पटना के बेरिया स्थित पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के सुगम संचालन एवं यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रस्ताव पर विमर्श किया गया तथा आवश्यक निर्णय लिया गया। इस बैठक में यात्री सुविधाओं को और अधिक बेहतर बनाने पर बल दिया गया। बैठक में बुडको के कार्यपालक अभियंता द्वारा पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से सुगमतापूर्वक बसों के परिचालन हेतु एजेंडावार रिपोर्ट पेश की गई। PBT परिसर में ड्राइवर डोमेट्री तथा शौचालय के रखरखाव, उपयोग एवं नियंत्रण, साफ सफाई, सुरक्षा कार्य बुडको द्वारा कराए जा रहे योजना अंतर्गत अवशेष कार्यों में प्रगति इत्यादि पर भी चर्चा की गई। इस मौके पर बस एवं ऑटो एसोसिएशन तथा अन्य संघों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव तथा जानकारी दी गई। अब लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में लोकल ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में मनोरंजन के साथ साथ देश दुनिया की सूचना प्राप्त कराने के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। पूर्वोत्तर रेलवे ने लोकल ट्रेनों में LED TV लगाने का फैसला किया है। अब सफर के दौरान रेल यात्रियों का टाइम आसानी से पास हो जाएगा। ANI ने पूर्वोत्तर रेलवे के सूत्रों के हवाले से बताया कि हावड़ा से ऐसी पहली ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है। लोकल ट्रेनों में लगाए जाने वाले LED TV में मनोरंजन प्रोग्राम्स के साथ साथ रेलवे के बारे में भी जरूरी जानकारी दी जाएगी। बता दें कि मुंबई और मैसूर में पहले से ही लोकल ट्रेनों में LED TV लगाए जा चुके हैं, लेकिन ईस्टर्न रेलवे में पहली बार किसी ट्रेन में LED TV लगाया गया है। ईस्टर्न रेलवे की 50 लोकल ट्रेनों में कुल 2400 LCD लगाए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को हावड़ा के DRM मनीष जैन ने हावड़ा स्टेशन के पुराने परिसर में प्लेटफॉर्म नंबर 8 से LED TV से सजी ऐसी पहली ट्रेन का उद्घाटन किया। ट्रेन में TV के उद्घाटन के बाद DRM ने कहा कि इस बारे में एक निजी कंपनी से एग्रीमेंट किया गया है। जिस प्राइवेट कंपनी से एग्रीमेंट किया गया है वह कंपनी ट्रेनों में LCD लगाएगी। मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। भारत में भी इससे जुड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले कुछ इसी तरह शुरुआत में सामने आए थे और देखते ही देखते पूरा देश इस तबाही की जद में आ गया था। अब इस नई आफत मंकी पॉक्स की चपेट में देश नहीं आ जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद मंगलवार को पटना में उच्चाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें विशेषज्ञों ने अधिकारियों को मंकी पॉक्स के संदिग्ध की तलाश करने और जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया था। 65 देशों में कुल 16,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। भारत में विदेशों से आने वाले पर्यटकों एवं नागरिकों पर स्वास्थ्य विभाग की कड़ी नजर है। देश के सभी एयरपोर्ट अथॉरिटियों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा में दाखिल होने वाले विदेशी नागरिकों पर सख्त निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारों की संख्या में पहले से बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य में अब तक 14,32,000 से अधिक बेरोजगारों ने रोजगार के लिए नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। वहीं बिहार में चालू वित्तीय वर्ष के 2 महीने में ही 34,217 लोगों ने रोजगार की मांग की है। इन आंकड़ों को देखकर यह कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से रोजगार के लिए किए गए वायदा बेअसर है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर बेरोजगारों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा वर्ष 2015-16 से मिली हुई है। प्रथम वर्ष में इस पोर्टल पर बिहार से 5,152 बेरोजगारों ने निबंधन कराया था। इसके बाद वाले साल में ऐतिहासिक रूप से बेरोजगारों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हुआ। साल 2016-17 में 6,05,380 बेरोजगारों ने इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। वहीं वर्ष 2017-18 में 1,53,702 जबकि साल 2018-19 में 1,43,854 बेरोजगारों ने पोर्टल पर खुद को रजिस्ट्रेशन किया।
32,000 से अधिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बुधवार को काउंसलिंग का अंतिम राउंड पूरा हो गया। विभागीय सूत्रों के मुताबिक बुधवार को जिला परिषद नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग होनी थी। इसमें भागलपुर, बांका, जमुई, बेतिया और अन्य दो स्थानों की जिला परिषद की नियोजन इकाइयों ने काउंसलिंग नहीं कराई। शिक्षा विभाग ने इसे गंभीर लापरवाही माना है। विभाग इन सभी जिलों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा। जहां लापरवाही पूर्ण तरीके से काउंसलिंग नहीं हो सकी, वहां आगे की काउंसलिंग कराने के लिए विभाग अलग से विचार करेगा। इनके अलावा बाकी सभी जिला परिषद नियोजन इकाइयों ने बेहतर तरीके से काउंसलिंग करा ली। किन नियोजन इकाइयों में कितने शिक्षक चयनित हुए हैं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं ली जा सकी है। बिहार के हाई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए नीतीश सरकार खुशखबरी लेकर आई है। अब राज्य के हाई स्कूलों में भी ITI की पढ़ाई होगी। खासकर वैसे प्रखंड जहां ITI कॉलेज नहीं है, उन जगहों के स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी और यहां कम से कम एक ट्रेड की पढ़ाई ITI से संबंधित होगी। राज्य में फिलहाल ऐसे 210 प्रखंड हैं जहां एक भी सरकारी या गैर सरकारी ITI नहीं है। अभी कितने प्रखंडों में एक भी ITI या MSTI के तहत प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है, इसकी रिपोर्ट बनाकर विभाग को भेजे जाने की तैयारी की जा रही है। बिहार के सरकारी कॉलेजों में प्राचार्यों के खाली चल रहे करीब 164 स्थायी पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली करीब करीब तैयार की जा चुकी है। शिक्षा विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने अपनी सहमति दी है। हालांकि नियमावली के प्रावधान अभी बाहर नहीं आए हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग कॉलेजों की शैक्षणिक गुणवत्ता और प्रबंधन को दुरुस्त करने प्राचार्यों की भर्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ गया है। शिक्षा विभाग नियमावली को मंजूरी के लिए अब राजभवन भेजेगा। यहां कुलपतियों की एक समिति गठित की जाएगी। उसकी अनुशंसा पर कुलाधिपति इस नियमावली को हरी झंडी देंगे। उच्च शिक्षा की नियुक्ति संबंधी वर्तमान परिनियम में प्राचार्य की नियुक्ति के लिए प्रावधान नहीं है। अभी केवल सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियों का प्रावधान है। फिलहाल शिक्षा विभाग प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए अपनी तरफ से औपचारिक कवायद शुरू कर चुका है। विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से कहा है कि रिक्तियों की जानकारी जल्दी से जल्दी साझा करें। 260 डिग्री कॉलेजों में से 164 कॉलेजों में अभी कोई स्थायी प्राचार्य नहीं है। ये सभी कॉलेज प्रभारी प्राचार्यों के हवाले है। अंतिम रूप से रिक्तियां आ जाने के बाद नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। दरअसल विभाग विश्वविद्यालय सेवा आयोग के जरिए इस तरह की नियुक्ति कराने का निर्णय पहले ही ले चुका है। विभाग ने अभी तक औपचारिक तौर पर स्थायी प्राचार्यों के रिक्त पदों की जानकारी साझा नहीं की है। बिहार में कमजोर पड़े मानसून में तेजी आने की संभावना है। मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। IMD ने इस अवधि में प्रदेश के लगभग हर जिले में मूसलाधार व कुछ जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना समेत राज्य भर में हवा के तेज प्रवाह के चलते बादल ज्यादा देर एक जगह पर नहीं ठहर पा रहे हैं। इस वजह से मानसून भी पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि शनिवार को पटना समेत सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, सुपौल व शेखपुरा व अन्य जिलों में बारिश हुई थी। इससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से राहत मिली। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में 23 और नए विषय जोड़े जाएंगे। यह वह विषय होंगे जिनसे संबंधित कोर्सों की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी लोन ले सकेंगे। अभी तक इस योजना के तहत करीब 42 तरह के कोर्स की पढ़ाई के लिए लोन लिए जाते हैं। शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है। सरकार इस प्रस्ताव को बहुत जल्दी ही मंजूरी देने वाली है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लोन के लिए 23 और विषय जुड़ जाने के बाद उच्च शिक्षा से संबंधित शायद ही कोई ऐसा कोर्स होगा जो इसके दायरे में न आ जाए। दरअसल इस योजना के जरिए शिक्षा विभाग न केवल पेशेवर कोर्स करने के लिए नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करने जा रहा है, बल्कि इससे राज्य के सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाने में भी उसे मदद मिलेगी। पिछले हफ्ते इस योजना से जुड़े जिला स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। इसमें उन लोगों से स्कीम को लागू करने में आ रही बाधाओं को जाना गया। अब उनके समाधान के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। पटना में निवेदा समेत अन्य अस्पतालों के ब्लड बैंकों से मिलने वाला खून जान बचाने की जगह जिंदगी भी ले सकता है। यहां खून के काले कारोबार से लाखों का खेल हो रहा है। पुलिस और औषधि विभाग की ओर से इस खून के काले कारोबार का पोल खुलने के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। जेल जाने से पहले दोनों आरोपित अजय कुमार और संतोष कुमार ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दोनों आरोपित
नशेड़ियों को 500 रुपये देकर एक यूनिट के बदले 2 यूनिट ब्लड निकालते थे। इसके बदले वे प्राइवेट अस्पताल या जरूरतमंद लोगों से एक यूनिट के 5 से 7 हजार रुपये की वसूली करते थे। एक महीने के अंदर दोनों आरोपितों ने 156 मरीजों को एक्सपायरी खून भी चढ़वा दिया। इसके साथ ही ट्रेन और बस से भी लाते थे खून, कोल्ड चेन का नहीं रखते थे ख्याल। जांच में पता चला कि दोनों आरोपित जिले के ग्रामीण इलाकों में भी खून निकालने के लिए नशेड़ियों के पास जाते थे। राजीव नगर के नेपाली नगर में बिहार राज्य आवास बोर्ड ने 48 साल बाद पहली बार अपनी जमीन पर अवैध कब्जे से लोगों को सावधान रहने की अपील करते हुए राजीव नगर इलाके में जगह जगह पर लोहे का बोर्ड लगा दिया है। लगाए गए बोर्डों में लोगों को भूमाफिया और दलालों से सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। बता दें कि हाल ही में आवास बोर्ड की शिकायत पर राजीव नगर थाने में कई गृह निर्माण समितियों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद जाँच की गयी तो पता चला कि इनमें से 4 गृह निर्माण समितियां ऐसी है जो कि कागजी तौर पर सक्रिय नहीं है और न ही इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर का चुनाव हुआ है। इन समितियों की स्थापना 1970 के दशक में की गई थी, परंतु अभी तक इन समितियों की कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई है।